भारत में एक धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, और ये सारा सिलसिला शुरू होता है एक शहर सारनाथ से। बिहार के एक शहर गया में बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को प्राप्त होता है ज्ञान, और वह इस ज्ञान को पूरे संसार तक पहुंचाने में लग जाते हैं। इस राह में तो पहुंचते हैं एक शहर जिसे हम आज सारनाथ के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक अपने समय में कुछ स्तूपों का निर्माण कराते हैं, वो इसलिए कि उनमें रिलिक यानी गौतम बुद्धा के अंश रखे जा सकें। सम्राट अशोक सारनाथ का नए तरीके से निर्माण करते हैं, उसमें अपना स्तंभ लगाते हैं जिसके ऊपर होता है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। धमेक तूपा, यही वो जगह है यहाँ गौतम बुद्ध ने अपने सबसे पहले 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था। कुछ भारतीय ताकतों के कारण सारनाथ नष्ट होने लगता है। ऐसा लगता है कि अब सारनाथ का महत्व नहीं बचेगा, लेकिन हमारे भारत की ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी पुरातत्व विभाग के कार्यों की वजह से आज हम इस सारनाथ को देख सकते हैं।